नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति विवाद बढ़ा, विज्ञापन के खिलाफ अनशन करेंगे टेट पास पारा शिक्षक। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति का विज्ञापन निकलने के बाद टेट पास पारा शिक्षकों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभी पारा शिक्षक अनशन पर बैठेंगे। बता दें, असिस्टेंट टीचर नियुक्ति के खिलाफ आंदोलन तेज होता जा रहा है। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में कई तरह की त्रुटि होने का आरोप लगाते हुए टेट पास पारा शिक्षकों ने 31 जुलाई से विधानसभा के सामने अनशन करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट टीचर नियुक्ति का त्रुटिपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद सहायक अध्यापकों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। हेमंत सरकार वेतनमान के बजाय टेट पास पारा शिक्षकों को परीक्षा में बैठने के लिए विवश कर रही है। इससे टेट पास पारा शिक्षक अपने आप को छल्ला महसूस कर रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के सामने पारा शिक्षकों ने अनशन करने का निर्णय लिया है। 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही विधि पूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से बुधवार को झारखंड विधानसभा में बैठकों का दौर रहा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करते हुए सदन की कार्यवाही पर चर्चा की। इस दौरान सदन ने नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधायक सरजू राय, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, आयसू के लंबोदर महतो उपस्थित थे। बता दें, इस बैठक से एक बार फिर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाए रखा है। स्पीकर कक्ष में हुई इस बैठक में जहां सदन में आने वाले सवालों के सही जवाब विभाग के द्वारा नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई गई, वहीं सदन के समय का सदुपयोग करने का भी आग्रह स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो के द्वारा किया गया है। झारखंड पुलिस की महिला बैंड शादियों में भी बजाएगी बाजा। झारखंड पुलिस की महिला बैंड पार्टी अब शादी विवाह, मुंडन, उपनयन या खुशी के अन्य मौके पर भी बुकिंग के लिए अब उपलब्ध होगी। इसके लिए झारखंड आर्म्स पुलिस जैप 10 की ओर से बाकायदा इश्तेहार जारी किया गया है। बता दें, ITBP की ओर से हरियाणा के पंचकूला में आयोजित 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ महिला बैंड का पार्टी खिताब जीता है। बताया गया है कि महिला पुलिस बैंड की पूरी पार्टी को बुक करने के एवज में 20,000 रुपये की फीस चुकानी होगी। वहीं हाफ बैंड पार्टी को 10,000 रुपये में बुक किया जा सकेगा। महिला बैंड पार्टी की बुकिंग अधिकतम 2 घंटे के लिए ही की जा सकेगी। वहीं जैप के समादेष्टा द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक बैंड पार्टी की फीस के अलावा उनकी ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी बुकिंग करने वालों को चुकाना होगा। रांची में भाकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार की रात को एक वामपंथी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखते ही देखते लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के इस नेता का नाम सुभाष मुंडा है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए SSP, CTSP, ग्रामीण SP और हटिया के DSP खुद दलादली पहुंच गए हैं। 5 थाने की पुलिस से फोर्स को वहां भेजा गया। बताया गया है कि रात को किसी ने सुभाष मुंडा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना नगरी थाना क्षेत्र के दलादली के पास की है। जैसे ही सुभाष मुंडा की हत्या की खबर मिली, स्थानीय लोग वहाँ जुट गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकानों के साथ साथ कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की खबर है। झारखंड में 413 आंदोलनकारी चिन्हित, बाबा नगरी से 132। झारखंड में 413 आंदोलनकारियों को चिन्हित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इन आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। चिन्हित सभी आंदोलनकारियों को अनुमान्यता के आधार पर झारखंड आंदोलनकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी है। आने वाले दिनों में अन्य पात्र आंदोलनकारियों को भी चिन्हित किया जाएगा। बता दें, चिन्हित आंदोलनकारियों में सबसे ज्यादा देवघर से है। बाबा नगरी से 132 लोगों को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा बोकारो से 20, धनबाद से 12, गिरिडीह से 43, गोड्डा से 19, गुमला से 33, हजारीबाग के 23, कोडरमा के 13, लातेहार के 2, लोहरदगा के 29, रामगढ़ के 8, रांची के 47, साहेबगंज के 10 और सरायकेला के 22 लोगों को आंदोलनकारियों की लिस्ट में शामिल किया गया है।
झारखंड विधानसभा स्पीकर का आदेश, हिंदी में ही विधेयक होंगे पारित। झारखंड विधानसभा में अब सिर्फ हिंदी में ही विधेयक पारित किए जाएंगे। राजभवन को यही विधेयक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बुधवार को विधानसभा परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अधिकारियों को इस संबंध में सतर्कता बरतने का सुझाव देते हुए कहा है कि हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की त्रुटियों के कारण विधेयक लौटाया जाना ठीक नहीं है। अधिकारियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, पारित विधेयकों को वापस लौटाने से इन्हें दोबारा विधानसभा से पारित कराना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया को दोहराने जैसा है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सदन का समय बेहद कीमती होता है। अनुवाद की विसंगतियों के कारण राजभवन से कुछ विधेयकों को लौटाने संबंधी सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा से अब सिर्फ हिंदी में ही विधेयक पास होंगे। अंग्रेजी में इसे अनुवाद के लिए सरकार के संबंधित विभाग के साथ साथ राजभवन सक्षम है। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर 500 रुपये का हर्जाना। रांची सिविल कोर्ट से अभिनेत्री अमीषा पटेल को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल पर 500 रुपये का हर्जाना लगाया है। बता दें, बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी DN शुक्ला की अदालत में मामले के शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही कराई गई। आरोपी अमीषा पटेल की ओर से पेश वकील ने गवाह का जिरह नहीं किया है। उन्होंने गवाह से जिरह के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। इसका याचिकाकर्ता के वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने विरोध किया। उन्होंने अमीषा का जमानत रद्द करने की गुजारिश कर दी है। बता दें, अमीषा के वकील ने अदालत से कहा है कि अभी उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की है कि गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन और उससे जिरह कर सके। रांची पुलिस की अपील, बिना सुरक्षा गार्ड वाले ATM का इस्तेमाल से बचे। रांची पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिना सुरक्षा गार्ड वाले ATM बूथों का इस्तेमाल करने से बचे। गौरतलब है कि आजकल साइबर फ्रॉड करने वाले साथी गिरोह के लोग एक नए तरीके से लोगों को ठगने का शिकार बना रहे हैं। फ्रॉड करने वाला गिरोह पहले से ही ATM मशीन में कुछ बदलाव कर देता है और कस्टमर सपोर्ट के साथ स्थान पर अपना मोबाइल नंबर ATM के अंदर चिपका देता है। वहीं जब लोग पैसे की निकासी के लिए ATM में आते हैं और अपना कार्ड डालते हैं तो उनका कार्ड मशीन के अंदर फंस जाता है। फ्रॉड करने वाले गिरोह का सदस्य वहां पर मौजूद होकर देखता रहता है और समस्या के समाधान के लिए कस्टमर सपोर्ट नंबर पर फोन करने का सुझाव देता है। PM मोदी ने संजय सेठ की फिर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर रांची के सांसद संजय सेठ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि संजय सेठ रांची के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। यह रांची के लिए गौरव की बात है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। PM की तारीफ के बाद रांची के विभिन्न संगठनों और लोगों ने सेठ को बधाई दी है। बधाई देने वालों में श्री महावीर मंडल रांची के संरक्षक चुनू मिश्रा शामिल हैं। पाकुड़ के एक घर में मिला 47 रसेल वाइपर सांप। रसेल वाइपर को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है। इस सांप को देखते ही अच्छे अच्छे लोगों की हालात बिगड़ जाती है। लेकिन अगर घर के किसी कोने से एक दो नहीं बल्कि इस जहरीले सांप का पूरा परिवार जिसकी संख्या 47 हो मिले तो आप क्या कहेंगे। बता दें, ऐसा ही खौफनाक दृश्य दिखा है झारखंड में, जहाँ पाकुड़ में इस सांप ने पूरे परिवार के साथ अपना ठिकाना ले रखा था। 28 जुलाई को विधानसभा घेराव में शामिल होंगे हुसैनाबाद के पंचायत स्वयंसेवक। हुसैनाबाद प्रखंड सचिवालय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय के समीप छठ पोखरा के प्रांगण में बैठक की गई। बैठक में 28 जुलाई को होने वाले रांची विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया गया। बता दें कि बीते 8 जुलाई से झारखंड राज्य के सभी जिलों से लगभग 18,000 पंचायत स्वयंसेवक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर हुसैनाबाद प्रखंड स्वयंसेवक संघ ने बैठक की है, जिसमें हुसैनाबाद प्रखंड के सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को बताया गया कि आगामी 28 जुलाई को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। झारखंड के 5 जिलों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस। झारखंड में बहुत जल्द हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के नाम से शुरू हो रही इस सेवा के जरिए हाईवे में दुर्घटना का शिकार पीड़ितों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। गौरतलब है कि इसके लिए प्रदेश के 5 जिलों में स्टेशन बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट समिट 2023 में इस बात पर चर्चा की गई। झारखंड के चीफ पायलट कैप्टन SP सिन्हा ने इस सबमिट में हिस्सा लिया था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चौपर के जरिए मेडिकल सेवा का जिक्र किया था।
सरकारी स्कूलों में 6 की जगह होगी 2 ही परीक्षाएं। सरकारी स्कूलों में अब 6 की जगह 2 ही परीक्षाएं अर्धवार्षिक तथा वार्षिक होगी। अब 4 रचनात्मक मूल्यांकन की जगह साप्ताहिक परीक्षा होगी तथा लगातार 2 माह की इस परीक्षा के प्रवर्तन का औसत ही इन सावधिक परीक्षाओं का आधार बनेगी। बता दें प्रत्येक विषय में 20 अंक साप्ताहिक परीक्षाओं के प्राप्तांक के आधार पर मिलेंगे। इसी के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहली बार 5 अगस्त से शुरू होने वाली साप्ताहिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। यह सभी कक्षाओं में लागू होगा। साथ ही अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अलावा 9वीं से 12वीं तक की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तिथियाँ भी घोषित कर दी गई है। ट्रेन में 20 रुपये में 7 पूरी सब्जी और अचार का उठाए लुप्त। कई वर्षों के बाद टाटा नगर स्टेशन पर यात्रियों के लिए सस्ता खाना उपलब्ध है। जनता भोजन के बंद होने के बाद रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को सस्ता खाना परोसने के लिए सभी जोन के मुख्य वाणिज्य अधिकारी को पत्र के माध्यम से IRCTC की ओर से संचालित RR और जन आहार किचन को आदेश दिया है। बता दें 27 जून को जारी आदेश के बाद टाटा नगर स्टेशन पर जन आहार की ओर से 18 जुलाई से जनता भोजन शुरू कर दिया गया। जनता भोजन में 7 पूरी जिसका वजन 175 ग्राम, आलू की सूखी सब्जी 150 ग्राम एवं अचार 12 ग्राम शामिल है जिसकी कीमत 20 रुपये रखी गई है। देवघर व जामताड़ा में 1188 महिलाओं की जांच में 29 को प्री सर्वाइकल कैंसर। झारखंड के संताल परगना की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और जननांग में सूजन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों देवघर और जामताड़ा में मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं की जांच के बाद इसका खुलासा हुआ है। बता दें देवघर में 615 महिलाओं की जाँच की गई, इनमें 80% के जननांग में सूजन की समस्या थी। वहीं जामताड़ा में जांच के लिए पहुंची 573 महिलाओं में यह समस्या पाई गई। इतना ही नहीं, देवघर में 18 और जामताड़ा में 11 महिलाओं में सर्वाइकल प्री कैंसर का पता चला है। प्री सर्वाइकल कैंसर के लक्षण वाली महिलाओं को तत्काल कॉल्पोस्कोप गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट देकर उन्हें कैंसर से मुक्त कर दिया गया। जिन महिलाओं में सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा में सूजन थी उन सभी को किट 6 खुराक मुफ्त में दी गई है। झारखंड में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन 29 जुलाई से। राज्य में प्राइमरी से लेकर प्लस टू हाई स्कूल तक के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 29 जुलाई से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। विभाग इस संबंध में 1 से 2 दिनों में पत्र जारी कर सकता है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 के तहत राज्य में लगभग 5 साल बाद शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसे लेकर पूर्व में ही जिलों को प्रारंभिक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। झारखंड में 28 जुलाई से बारिश। मौसम केंद्र रांची के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के कुछ स्थानों पर 27 जुलाई तक गर्जन के साथ साथ हल्के से मध्य दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 28 जुलाई को राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होने के आसार हैं, जबकि 29 जुलाई से 1 अगस्त तक करीब पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। बता दें 29 जुलाई को राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं 30 जुलाई को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि राजधानी रांची समेत कई जिलों में 26 जुलाई से बारिश शुरू हो गई है। बता दें सुबह से ही इन जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। यह स्थिति 1 अगस्त तक रहेगी। कोल्हान विश्वविद्यालय के कॉलेजों में आज से एडमिशन शुरू। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 34 अंगीभूत व संबद्धता कॉलेज में एडमिशन के लिए करीब 27,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इनमें CUET के अलावा चांसलर पोर्टल के जरिए भी आवेदन करने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में संचालित स्नातक 4 वर्षीय कोर्स में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट को अधिकांश कॉलेजों ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। संबंधित सूची के अनुसार बुधवार से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देवघर बना साइबर फ्रॉड का गढ़। बाबा नगरी देवघर साइबर फ्रॉड का गढ़ बन गया है। इससे पहले जामताड़ा जिला ही साइबर ठगी के लिए बदनाम था, अब इस सूची में देवघर जिला भी शामिल हो गया है। आए दिन यहां से साइबर ठगी घटनाएं सामने आ रही है और इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश न सिर्फ राज्य की पुलिस को बल्कि अलग अलग के राज्यों की पुलिस भी लगातार देवघर पहुँच रही है। बीते 1 सप्ताह में देवघर में कई साइबर फ्रॉड सहित 10 से अधिक ठगी के मामले सामने आए।
जबकि राज्य के अलग अलग जिलों के अलावा कई राज्यों की पुलिस भी यहाँ छापेमारी कर चुकी है। बता दें, पार्ट टाइम जॉब देने का झांसा देकर नगर थाना क्षेत्र के बिलासी टाउन निवासी एक व्यक्ति से 40,500 रुपये की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। खुट्टी में उग्रवादियों ने पुल निर्माण स्थल पर मारपीट और तोड़फोड़ किया। झारखंड में एक ओर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों और उग्रवादियों के सफाई के अभियान में लगे हैं, इसके बावजूद लेवी के नाम पर मारपीट और तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर भाकपा माओवादियों के नक्सलियों से झारखंड को मुक्त कराने का ऑपरेशन चला रखा है। वहीं खुट्टी जिले में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के उग्रवादियों के तांडव का मामला सामने आया है। राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में PLFI के उग्रवादियों ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहां मौजूद एक JCB, एक बाइक और एक स्कूटी में जमकर तोड़फोड़ की। घटना मंगलवार देर शाम को हुई है। PM मोदी झारखंड को देंगे 1607 किसान समृद्धि केंद्र की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार 27 जुलाई को झारखंड के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। PM मोदी 1607 किसान समृद्धि केंद्र झारखंड को समर्पित करेंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को PM मोदी राजस्थान के सीकर से 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित करेंगे। प्रदीप वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए संकल्पित है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। प्रशासनिक फेरबदल, 7 जिले के SP बदले गए। झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस सेवा से IPS में प्रोन्नत 3 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। 19 जुलाई को वरीय पुलिस उपाधीक्षक से IPS बने दीपक कुमार शर्मा को गिरिडीह का SP बनाया गया। वहीं इससे पहले वे स्पेशल ब्रांच रांची में पदस्थापित थे। वहीं डॉक्टर बिमल कुमार को सरायकेला खरसावा का SP बनाया गया। बिमल कुमार मुख्यमंत्री सुरक्षा में स्पेशल ब्रांच में बतौर सीनियर DSP पदस्थापित थे। इन दोनों के अलावा पीतांबर सिंह खेरवार को निरसा के SDPO पद से ट्रांसफर कर दुमका का SP बनाया गया है। BEd नामांकन के लिए अब नहीं देना होगा 1.5 लाख रुपए। झारखंड में छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने बुधवार को BEd में नामांकन के लिए 88,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख फीस करने का विरोध करते हुए SP BEd कॉलेज और विश्वविद्यालय के सभी विभागों में ताला जड़। छात्रों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ी हुई फीस को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब छात्रों को नामांकन के लिए 88,000 रुपये ही देना होगा। इसके साथ ही छात्रों ने अपनी अनिश्चितकालीन तालाबंदी को भी स्थगित कर दिया है। छात्र नेता श्याम देव हेमरम ने कहा है कि संथाल परगना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र गरीब रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले आदिवासी मूलवासी हैं। अचानक फीस को 88,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया, यह बढ़ोतरी कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है। कोडरमा के इन ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टावर नहीं। झारखंड में सुदूरवर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क किसी चुनौती से कम नहीं है, यही हाल कोडरमा जिला का है। इस जिले में के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोगों को 5G 4G का लाभ मिलना तो दूर, बात करने के लिए नेटवर्क तक नहीं मिलता है। बता दें, मरकच्चो प्रखंड के सुदूरवर्ती डगरनवा पंचायत के असनातारी, झावतारी, वनपोक, बेको, नौडिहार, लोहावर आदि गाँवों में लोगों को मोबाइल पर बात करने में बड़ी मकसद करनी पड़ती है। यहाँ नेटवर्क पहुँच ही नहीं पाता, इस कारण ग्रामीणों को कभी पेड़ पर तो कभी पहाड़ियों पर नेटवर्क तलाशने के लिए चढ़ना पड़ता है। सरायकेला सोलर लैब खरीद घोटाले में होगी SEB जांच। सरायकेला खरसावा जिले में सोलर लैब व LED स्ट्रीट लाइट लगाने में घोटाला की जांच SEB करेगी। पंचायतों में मुखिया निधि से लगाए गए सोलर लैब व स्ट्रीट लाइट की अत्यधिक कीमत में खरीद की शिकायत मिली थी। शिकायतों के आधार पर मंत्रिमंडल निगरानी व सचिवालय विभाग ने आर्थिक नियमितता की जाँच का आदेश SEB को दिया है। SEB के द्वारा इस मामले में PE दर्ज कर जाँच की जाएगी। बतौर विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री ने भी जांच की फाइल का अनुमोदन किया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।